सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या सीखा था? तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये सीखा था कि हमें व्हाट्सएप चैट बोर्ड मतलब व्हाट्सएप चैट इंटीग्रेट करना हो, ठीक है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं कोई फ्री प्लगइन की मदद से। तो हमने पिछली वीडियो में एक जॉइन चैट नेम का एक प्लगइन था, ठीक है, तो उसको इंटीग्रेट किया था और वो प्रॉपर वर्क कर रहा था, ठीक है। मैंने व्हाट्सएप वगैरह ओपन करके नहीं दिखाया कि कैसे, मतलब फिर तो वो मतलब सिंपल चीज़ व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट करेगा आपको, फिर वहाँ से क्या करना है आपको अपना व्हाट्सएप वेब लॉगिन करना है और डायरेक्ट चैट हो सकती है, ठीक है। तो वो मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया था, ठीक है। तो आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि हमें कोई एक्सेल शीट है हमारी, ठीक है, तो एक्सेल शीट हम मतलब यहाँ कैसे हमारी वेबसाइट में कैसे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होगा वो आज की वीडियो का टॉपिक है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये मतलब जेम्प में आना है और अपाचे मासी को स्टार्ट कर देना है और डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले एक एक्सेल फाइल बनानी पड़ेगी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मतलब ओपन कर लेता हूँ और वहाँ पे सिंपल मैं कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया वन, तो सिंपल सी चीज़ है, नहीं फिर यहाँ टू, तो फिर क्या टू टू नहीं आएगा क्या? वन टू थ्री फोर, मतलब 10 तक लिख लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, तो मैं ए बी सी डी ई एफ सॉरी एफ जी एच आई जे, ठीक है, ये लिख दिया और सेम चीज़ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये सिंपल मैंने ये खुद भी मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अभी इसको सेव करता हूँ, मैं यहाँ डाउनलोड में करता हूँ और बुक वन का बुक वन दे देता हूँ, ठीक है, ओके। वो कोई का ही नहीं है, ठीक है, तो ये कर दिया। तो हमें क्या करना है कि ये जो एक्सेल शीट है वो हमें कोई कोई भी एक पेज है वहाँ पे शो करवानी है, तो वो हम कैसे करवा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, जो डेमो पेज है उधर ही शो करना है, ठीक है। तो आप यहाँ टेबल वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो आप ऐसे ही तो लिख नहीं सकते कहीं पे, या फिर वो शो होगा नहीं। तो हमें क्या करना है, प्लगइन की मदद लेनी होगी, यहाँ से एड न्यू, प्लगइन में आके एड न्यू और यहाँ पे लिखना है, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, अरे ये लिख क्यों नहीं रहा, यहाँ पे टेबल लिखते हैं तो देखते हैं कौन कौन से प्लगइन आ रहे हैं। ये देखो इजी टेबल ऑफ कंटेंट है, ठीक है, ये बाकी काफी सारे हैं। तो हम क्या ये टेबल प्रेस जो ये प्लगइन है, ठीक है, इसका यूज करेंगे। तो उसको इंस्टॉल कर लेते हैं सबसे पहले, हाँ ये इंस्टॉल हो चुका है, इसको एक्टिव कर लेते हैं। तो एक्टिव होने के बाद ये सेम ये यहाँ पे जो लेफ्ट बार है वहाँ पे शो हो जाएगा, देखिए भाई हमें कोई अपडेट वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है, अभी फिलहाल स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे ये देखो उसका डैशबोर्ड हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमने जो एक्सेल शीट है वो बनाई यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। तो यहाँ पे आप टेबल एड टेबल भी कर सकते हो, या फिर आप आपको मतलब चाहिए कि यहाँ पे आपको सारे टेबल वगैरह चाहिए, रो कॉलम वगैरह यहाँ से लेके भी आप मतलब मैन्युअली भी यहाँ से कर सकते हो। तो हमें क्या चाहिए, वो एक्सेल शीट है वही यहाँ शो करवाएं। तो सिंपल यहाँ से इम्पोर्ट करना पड़ेगा हमको वो एक्सेल शीट को, वो करने के लिए इम्पोर्ट यहाँ से क्लिक,
ये बुक वनर वाली, ठीक है, यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ हमें क्या चाहिए कि न्यू टेबल एज ए न्यू टेबल चाहिए या फिर रिप्लेस करना है, फिर अपेंड करना है रो एग्जिस्टिंग टेबल वाले को। ठीक है, तो क्या करना है हमें, क्या चाहिए कि एज ए न्यू टेबल ही कर देते। ठीक है, इंपोर्ट किया तो ये जैसे इंपोर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे देखो आ गया, यहाँ पे आया टेबल आईडी, क्योंकि फर्स्ट टेबल है तो टेबल वन है। ठीक है, और यहाँ पे शॉर्ट कोड दिया है। यहाँ पे देखो टेबल नेम क्या है कि टेबल नेम है बुक वन, तो हम क्या कर देते हैं, ये बुक वन का बुक वन ले देते हैं और डिस्क्रिप्शन भी यहाँ से हटा, वो विथ एक्सटेंशन लेता है। ठीक है, ये देखो हमारा पूरा डेटा आ चुका है, जैसे हमने ये डेटा दिया था। ठीक है, वो सारे डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। और हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखो टेबल ऑप्शन है, फिर क्या क्या है यहाँ से मतलब कर सकते हैं, अभी यहाँ प्रीव्यू करूँ मैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल कैसा दिख रहा है, तो कैसा दिख रहा है, तो ऐसा तो अच्छा नहीं दिख रहा। तो क्या करते हैं कि टेबल फोटो कर देते हैं, फिर यहाँ से कॉलम वगैरह ऐड वगैरह डिलीट तो नहीं करने। ठीक है, फिर यहाँ पे टेबल फीचर वगैरह है कि क्या क्या हो सकता है, फिर यहाँ से सेव चेंजेस कर लेते हैं स्टे भी सिंपल फिलहाल। और ये शॉर्ट कोड आया है ना, उसको हमें पेस्ट करना पड़ेगा, ये यहाँ से कॉपी किया। और जो हमारे जितने भी पेजेस है, ठीक है, वो डेमो वाला पेजेस जो हम मोस्ट ऑफ जहाँ एडिट करते हैं उसी में करते हैं, तो उसी को एडिट विथ एलिमेंटर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंटर एडिट का ओपन हो रहा है पेज। तो सिंपल सी चीज़ है, हमें आ जाना है यहाँ पे नीचे, यहाँ से एक सेक्शन ले लेते हैं और यहाँ से प्लस और शॉर्ट कोड। ठीक है, तो शॉर्ट कोड ले लिया और यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर दिया अपडेट, और यहाँ से प्रीव्यू भी कर लेते हैं, ये अपडेट हो जाए। ये देखो हो चुका है, यहाँ पे प्रीव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो भी प्रीव्यू करें तो ये टेबल आ चुका है। तो हमें क्या चाहिए अब, यहाँ से चेंजेस वगैरह थोड़ा बहुत हो सकता है, वो कैसे कि ये तो देखो यहाँ एडिट का ऑप्शन सिर्फ हमारा ये जो भी टैब में मतलब डैशबोर्ड लॉगिन होगा। ठीक है, जो भी प्रोफाइल वगैरह में, ठीक है, जैसे कि ये प्रोफाइल है, ठीक है मेरी, तो वहाँ पे डैशबोर्ड लॉगिन है, ये बार शो कर रहा है, इसलिए मेरा डैशबोर्ड लॉगिन है, इसलिए ये बार शो कर रहा है। ठीक है, तो उसमें आएगा ये एडिट वाला। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए कि एक किलो में सब कुछ दिख जाना चाहिए, नेक्स्ट पेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए, फिर ये जो शो कर रहा है ना कि 100 1 to 8 एंट्रीज है, ठीक है, तो वो भी हमें नहीं चाहिए, फिर 100 10 एंट्री है, सर्च वगैरह कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि विजिटर फीचर सारे ऑफ कर देते हैं। ठीक है, हमें कुछ वो करना ही नहीं है, यहाँ सेव चेंजेस कर लेते हैं सिर्फ सिंपल, और इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखो तो कुछ नहीं, हमें सिर्फ वो डाटा जो था वो डाटा ही दिखाना था। ठीक है, तो वो हम दिखा दो, पर अभी क्या करना है कि आपके पास और ज़्यादा कॉलम है, ये इतनी कॉलम है ना, तो उससे ज़्यादा कॉलम है। ठीक है, तो कॉलम वगैरह भी क्या आपको ज़्यादा देनी हो, ठीक है, तो वो भी यहाँ से आप दे सकते हो सिंपल। तो आपको समझो कि कॉलम ऐड करनी है, तो यहाँ से क्या करता हूँ मैं कि यहाँ मतलब इंसर्ट कर लेता हूँ एक कॉलम, तो वो देखो आ गई है टेबल कंटेंट, वो मतलब दिख नहीं रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल डाउन, मतलब जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं ऐसे। ठीक है, तो देखो ये वो कंटेंट बन के आ चुका है। ठीक है, हमने डुप्लीकेट किया था, तो भी यहाँ से मैं सेव चेंजेस करूँ, फिलहाल ये रिसेट कर देता हूँ मैं, और मैं अपडेट करूँ
अभी डेटा उतना दिख नहीं रहा हमें, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको बंद कर देता हूँ और प्रीव्यू वगैरह भी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अभी सिंपल डेमो ले लिया मैंने, वो प्रीव्यू वाली थी क्योंकि वो ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा था इसलिए। अभी ये देखो उतना शोर नहीं कर रहा हमें, पूरा डेटा जितना था, ठीक है, काफ़ी सारा डेटा है तो डेटा शोर नहीं कर रहा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना है कि जो ये विजिटर विजिटर वाला आपने सब ऑफ किया है तो वो ऑन कर लेना है। फिर शॉर्टिंग वगैरह कुछ नहीं देना, सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल देना है, ठीक है, और इन्फो भी नहीं चाहिए। तो सिंपल यहाँ से सेव चेंजेस कर लेते हैं और यहाँ रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो आया क्यों नहीं, अच्छा इसने गैप गैप पहले ज़्यादा था, गैप कम कर दिया अपने आप। अरे हाँ, नहीं यहाँ पे डाटा है नहीं ना। अरे ठीक है, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ मैं, और मतलब ऐसे सिलेक्ट किया और डुप्लीकेट 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 4-5 बार डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। अभी मैं सेव चेंजेस करूँ और यहाँ जाके रिफ्रेश करूँ मैं, ये देखो ये ऑटोमेटिक अपनी मतलब विड्थ कम कर दे रहा है, ठीक है। और आप ये तो डाटा कुछ है नहीं इसलिए आप आपके मतलब कोई अच्छी मतलब बड़े बड़े सेंटेंस वगैरह है, ठीक है, मतलब नाम वगैरह सरनेम वगैरह मतलब पूरा दे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल का ऑप्शन आएगा, जैसे ये वर्टिकल स्क्रॉल ये कैसे आ रहा है इधर, ठीक है, तो उसके जैसा हॉरिजॉन्टल का ये जो एडिट लिखा हुआ है ना वहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग का ऑप्शन एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। वहाँ से आप स्क्रॉल भी कर सकते हो कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे मतलब अपनी जो एक्सेल शीट है वो इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आपको मतलब मैन्युअली भी बनानी है, ठीक है। तो यहाँ से एड न्यू टेबल करके यहाँ टेबल नेम जी कितनी कॉलम चाहिए कितनी रोज चाहिए यहाँ से ऐड करके वो क्रिएट करो, और उसका जो शॉर्ट कोड आएगा, ठीक है, शॉर्ट कोड आपको जहाँ पे वो शो करवाना है, ठीक है, वहाँ पे जाके आप सिर्फ शॉर्ट कोड पेस्ट कर दो, वो उधर शो करने लगेगा। फिर आप जैसे ही मतलब यहाँ पे एडिट करोगे शॉर्ट कोड को, वही शॉर्ट कोड है वो तो उधर का उधर ही है, सिंपल वहाँ जाके रिफ्रेश करोगे तो वो ऑटोमेटिक अपने आप दिख जाएगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। तो आज की वीडियो में आपने सीखा कि हम एक टेबल कैसे ऐड कर सकते हैं और जो हमारी एक्सेल शीट है, ठीक है, एक्सेल शीट का डाटा हम कैसे शो कर सकते हैं और एक्सेल शीट कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी एक नई वीडियो में। ये वीडियो वगैरह जो वर्डप्रेस ट्यूटोरियल वगैरह वीडियो में बना रहा हूँ, ठीक है, वो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी किसी एक नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।